हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के कान्हा जी की ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाएंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने रेड कलर के सिल्क के कपड़े का यूज़ किया है और बाहर की तरफ मैंने इसमें इस तरह की लेस का यूज़ किया है। पीछे की तरफ मैंने इसमें टैटून लगाई है किनारे पे और अस्तर का कपड़ा यूज़ किया है। और इसकी प्लेटों के ऊपर मैंने एक एक स्टोन चैन की लाइन लगाई है और चोली के अंदर मैंने ये स्टोन चैन से स्क्वायर लगाए हैं। इस चोली की लंबाई हम पूरी चोली के घेरे की लंबाई हम 32.5 इंच लेते हैं और इसकी चौड़ाई हम 4 इंच लेते हैं। चौड़ाई तो हम इसकी 4 इंच लेते हैं, तैयार 4 इंच लेते हैं और पूरे घेरे की हमारी लंबाई 32.5 इंच होती है। जब हम कपड़ा काटते हैं तो आधा आधा या 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जिससे हमारे बाद में ये एक्स्ट्रा होने पर से कटिंग कर लेते हैं। हम इसे हम बनाना शुरू करते हैं। बनाना शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए हम ये रेड कलर का सिल्क का कपड़ा लेते हैं। इस रेड कलर के सिल्क के कपड़े की मैंने 33 इंच लंबाई में और 5 इंच से चौड़ाई में मैंने एक सीधी पट्टी नहीं काटी। इसी तरह मैंने ये एक टैटून का पीस काटा है, जिसे मैंने 1.5 इंच तो इसको चौड़ाई में लिया है और 33 इंच से लंबाई में लिया है। और इसके नीचे लगाने के लिए मैंने एक ये पतला लाइनिंग या अस्तर का कपड़ा लिया है, ये भी 33 इंच लंबाई में लिया है और इसे मैंने ये 4 इंच चौड़ाई में लिया है, क्योंकि तैयार होने के बाद हमारी ये पट्टी 32.5 इंच की लंबाई में होगी और 4 इंच हमारी ये चौड़ाई में हो जाती है। ये सब चीज़ें काटने के बाद हम स्टैट्रोन के पीस को इस कपड़े के ऊपर इस तरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके इसको इस तरह नीचे की तरफ त्रिमुड़ाई करते हैं और इसको सिलाई मशीन से हम पूरा इसको इस तरह सिल लेते हैं, इस तरह फोल्ड करके इसे। इस तरह मैंने अभी पट्टी के ऊपर ये टैटून का पीस सिलाई मशीन से लगा लिया है। पूरी पट्टी पे सिलाई मशीन से टैटून का पीस हम लगा लेते हैं। अब टैटून का पीस लगाने के बाद हम इस पट्टी के ऊपर यहाँ पर हम लेस लगाते हैं। तो मैंने इस तरह की लेस ली है जो इस पट्टी के ऊपर हम इस तरह सिलाई मशीन से पूरी पट्टी पे हम ये लेस लगा लेते हैं। पट्टी पे लेस लगाने के साथ साथ हम पीछे की तरफ इसमें जो हमने अस्तर का पीस लिया था, इस अस्तर के पीस को भी हम इस टैट्रोन के इस तरह नीचे ले जाके इसे अस्तर के पीस को भी हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो ये हमारी लेस के साथ ही अस्तर का पीस भी इसमें लग जाता है। ऊपर की तरफ भी हम इसमें इस तरह एक सिलाई कर लेते हैं अस्तर के पीस की और सिल्क के कपड़े की, तो अस्तर का पीस भी हमारे इस पट्टी के साथ अटैच हो जाता है। तो हमें अस्तर के पीस को भी अटैच कर लेते हैं और इस तरह इसके नीचे रख के हम इसमें अपने इस लेस को भी लगा लेते हैं। इस तरह हमने पट्टी के ऊपर ये दोनों तरफ लेस लगा ली है, पूरी पट्टी पे लेस लगा ली है, पीछे की तरफ ने इस पर अस्तर भी लगा लिया है, ऊपर की तरफ मैंने अस्तर और सिल्क के कपड़े के ऊपर एक सिलाई लगा ली। इस तरह हमारे घेरे की ये जो पट्टी होती है जो कंप्लीट हो जाती है। अब घेरे की पट्टी की लंबाई हम 32.5 इंच रहती है हमारी इस पूरी पट्टी की लंबाई और इसकी चौड़ाई हम ये 5 इंच लेते हैं। 5 इंच में से तैयार होने के बाद हमारी ये 4 इंच बचती है। अब इस पट्टी के दोनों तरफ हम इस तरह का टिश्यू रिबन लेते हैं, जिसके दोनों तरफ इस तरह हम इसे फोल्ड करके दोनों तरफ इसे लगा देते हैं। इस तरह हमारा ये घेरा लगा लेंगे हम, इस तरह हमारे घेरा की ये पट्टी होती है जो कंप्लीट हो जाती है। इस तरह हमने घेरे के ऊपर दोनों तरफ टिश्यू रिबन लगा के दोनों साइडों को हमने सिक्योर कर लिया है। अब इस घेरे के अंदर हम प्लेट्स डालते हैं। प्लेट डालने के लिए हम इसके ऊपर 1 इंच जहाँ से हमने ये टिश्यू रिबन लगाया है वहाँ से हम
एक इंच के ऊपर, इसके ऊपर एक निशान लगाते हैं। एक इंच पे निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम सवा इंच पे लगाते हैं, एक इंच और दूसरा निशान सवा इंच पे लगाते हैं। फिर सवा इंच के बाद हम वापस से एक इंच पे एक निशान लगाते हैं, फिर दूसरा निशान हम सवा इंच पे लगाते हैं। इस तरह एक निशान एक इंच पे, दूसरा निशान हम सवा इंच पे, इस तरह हम इसमें सभी जगह निशान लगा लेते हैं। एक इंच पे, फिर ये हम ये इस पे दूसरा निशान हम सवा इंच पे लगाते हैं। इस तरह हम सभी जगह पूरा निशान लगा लेते हैं। इस तरह मैंने पूरे घेरे की पट्टी के ऊपर ये चौक से निशान लगा लिए। लास्ट में हमारा ये एक पे आता है निशान, इतना सा बच जाता है जो सवा इंच हो जाता है, तो लास्ट की हमारी ये प्लेट हो जाती है। अब इस तरह हम प्लेट डालने के लिए जो हमारे एक इंच की प्लेट है उसके ऊपर फोल्ड करते हैं हम इसे, और इसे इधर की तरफ से प्लेट डालेंगे। तो ये हमारे सवा इंच की प्लेट है उसके ऊपर इस तरह डालते हैं। एक इंच की प्लेट के ऊपर इसको इस तरह प्लेट डालते हैं, जो हमारे एक इंच का जो निशान है उसको सवा इंच के निशान पे इस तरह। तो पहली प्लेट तो हम जहाँ पे हमने टिश्यू रिबन से किया है वहाँ पे लगाते हैं इस तरह। तो मैं इसे यहाँ से इस तरह प्लेट को मैं पिनअप कर लेती हूँ, इस तरह पहली प्लेट को मैं पिनअप कर लेती हूँ। तो ये मेरी पहली प्लेट हो गई। दूसरी प्लेट जो हमारी एक इंच के वो जो सवा इंच पे निशान लगाया था, तो एक इंच की जगह पे तो हम इसे फोल्ड करते हैं और सवा इंच के ऊपर इसे इस तरह ले जाके प्लेट को इस तरह रख देते हैं और इस तरह इसको फोल्ड कर लेते हैं। इससे हमारी ये दूसरी प्लेट डल जाती है। तब दूसरी प्लेट को मैं पिनअप कर लेती हूँ। फिर आगे से हम एक इंच वाली प्लेट को लेते हैं, वहाँ से फोल्ड करते हैं और हमारे सवा इंच की प्लेट के ऊपर जो निशान है उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह यहाँ पे रख लेते हैं और नीचे से इसे प्लेट को इस तरह हम फोल्ड कर लेते हैं। तो हमारी ये तीसरी प्लेट डल जाती है। जो हमने सवा इंच पे निशान लगाया था उस निशान के ऊपर हमें प्लेट्स लगानी रहती है। इस तरह हमारी तीसरी प्लेट डल जाती है और सभी प्लेट को हम पिनअप कर लेते हैं। पिनअप करने के बाद हम सिलाई मशीन से सिलाई कर लेंगे। तो मैं आपको सभी प्लेट्स पिनअप करके दिखाती हूँ। अब हमने सभी जगह प्लेटों को पिनअप कर लिया है। इस तरह पिनअप करने के बाद सभी प्लेटें हमारी इस तरह से बन जाती हैं। अब इन सभी प्लेटों के ऊपर हम एक सिलाई मशीन से एक एक सिलाई लगा लेते हैं। अन पिनों को हम हटा लेंगे। इस तरह हमारी ये सारी प्लेटें डल जाती हैं। तो यहाँ पे सभी जगह मैं सिलाई कर लाती हूँ। इस तरह हमने घेरे के ऊपर प्लेटों के ऊपर एक एक मशीन से सिलाई लगा ली और सभी पिनों को हमने निकाल लिया। इस प्लेट डालने के बाद हमारा ये घेरे की जो पट्टी है जो पूरी हो जाती है। अब हम चोली बनाने के लिए एक सीधी पट्टी लेते हैं। ये पट्टी हमने 11 इंच लंबाई की लेते हैं और 1.5 इंच हम चौड़ाई की लेते हैं। इस पट्टी के नीचे भी हम इस तरह का ये सिंपल अस्तर लगाएंगे। अस्तर लगाने के बाद जिस तरह हमने घेरे के ऊपर टिश्यू रिबन से दोनों तरफ से सिक्योर किया था, इसी तरह इस चोली के दोनों तरफ भी इस तरह हम ये टिश्यू रिबन लगा के इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने चोली के दोनों तरफ ये टिश्यू रिबन लगा लिया है और इस पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। अब कंप्लीट करने के बाद हम इसके अब दो पीस कर लेते हैं। इस तरह हम इसके बराबर दो पीस कर लेते हैं। दो पीस बनने के बाद हमारे चोली के दोनों साइडों के हिस्से बन जाते हैं। अब इस चोली को शुरू के दो हिस्से में हम यहाँ पे एक इंच के ऊपर इस तरह हम यहाँ पे इसके एक इंच के ऊपर यहाँ पे दोनों पट्टी को इस तरह आपस में एक दूसरे के ऊपर करके इस तरह हम इसे सिलाई कर लेते हैं। तो आगे का हिस्सा हमारा ये अटैच हो जाता है। तो दोनों हिस्सों को हम यहाँ से सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने दोनों पट्टियों को आपस में आगे से एक इंच पे सिलाई कर लिए। अब एक इंच पे सिलाई करने के बाद हम इन एक ही पट्टी के दोनों हिस्सों को इस तरह सिलाई कर लेंगे, जो हमारी यहाँ से बाजू बन जाती है। इसको हम आधा इंच तक यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई कर लेते हैं। इधर से हम सिलाई कर लेते हैं और दोनों तरफ से सिलाई करने के बाद हमारी चोली बन जाती है। इस तरह हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख के आधा इंच के ऊपर हम इसे सिलाई कर लेते हैं।
अब चोली में मैंने दोनों तरफ बाजू के सिलाई लगा ली है, इस तरह हमारी ये चोली कंप्लीट हो जाती है। अब इस चोली को हम घेरे के ऊपर सिलाई मशीन से जोड़ देते हैं। ये जो हमारा घेरा है इसके ऊपर हम सिलाई मशीन से इस चोली को जोड़ देते हैं। इस चोली की, इस घेरे की लंबाई हम 4 इंच लेते हैं, 4 इंच से ज़्यादा होती है तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 4 इंच के ऊपर मैं निशान लगा के अब फिर इस चोली को यहाँ से अटैच कर देते हैं। यहाँ से हम इसमें चोली को सिलाई मशीन से सिल लेते हैं। अब हमने चोली को घेरे के ऊपर सिलाई मशीन से सिलाई कर ली। सिलाई करने के बाद ये इस तरह से हमारा घेरे से अटैच हो जाता है और एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कैंची से काट दिया है। अब नीचे जो मैंने पिने लगा रखी है उन्हें मैं हटा देती हूँ। इस तरह हमारी ये घेरा बन जाता है, इस तरह हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। अब इस ड्रेस को हम स्टोन चैन से डेकोरेट करते हैं। जहाँ जहाँ हमने प्लेटें डाली हैं सभी प्लेटों के ऊपर स्टोन चैन की हम एक एक लाइन, चाहे तो हम फेविकोल से लगा सकते हैं या फेविक ग्लू से लगा सकते हैं या फिर ग्लू गन की हेल्प से लगा सकते हैं, तो यह मैं फेविकोल से लगा के बता रही हूँ। जहाँ जहाँ हमने प्लेटें डाली सभी प्लेटों के ऊपर हम फिर हम सभी प्लेटों के ऊपर एक एक लाइन स्टोन चैन की लगा देते हैं। अब सभी प्लेटों के ऊपर मैंने एक एक स्टोन चैन की लाइन लगा ली और इसे कंप्लीट कर लिया है। चोली के ऊपर मैंने तरह शक्कर पारी की 4 लाइन, एक एक लाइन ना लगा के 4 लाइन को 4 4 4 करके एक स्क्वायर में ये दोनों तरफ मैंने ये चोली के ऊपर लगा दिया। इससे हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।